तो कुछ जैन दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पोर्टर आर्मी की वैकेंसी दो जगहों पर होती है, उत्तराखंड में ही। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर आपको उत्तराखंड में दो जगहों पर पोर्टर आर्मी की वैकेंसी के बारे में नहीं पता है, तो मैं आज आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपका उत्तराखंड धारचुला में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आप उत्तराखंड में ही दूसरा सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस पोर्टर आर्मी वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी आपको परमानेंट वैकेंसी है, ये आपको कोई भी फेक वैकेंसी नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन 2024 का नोटिफिकेशन है। आप लोग देख सकते हैं ये वैकेंसी कहाँ पर होने वाली है, अभी बताता हूँ। देखो, 119 स्वतंत्र इन्फेंट्री ब्रिगेड समूह द्वारा पोर्टर तथा जानवर हांकने वाले मालिक को ब्रिगेड ऑपरेशन एरिया के लिए अपना नाम पंजीकरण कराने हेतु तो आमंत्रित किया जाता है, ठीक है? आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, योग्यता आपकी क्या होने वाली है, भारत, नेपाल और भूटान का नागरिक होना चाहिए। पुरुष ही केवल आवेदन पत्र होंगे, मतलब इसमें क्या है कि पुरुष ही आवेदन कर सकता है, महिला आवेदन नहीं कर सकती। इसकी आयु 17 अप्रैल 2023 को, उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए इसकी, और गणना इसकी 17 अप्रैल 2023 से किया जाएगा, ठीक है? पुरुष आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए, मतलब जो पुरुष आवेदन करेगा इसमें पोर्टर आर्मी में, तो वो शारीरिक रूप से मतलब फिट होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं पंजीकरण की तिथि स्थान 17 अप्रैल 2023 से लेकर 20 अप्रैल 2023 तक चलेगा, मतलब आप लोग यहाँ पर समझिए 17 अप्रैल से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2024 में जब भी इसकी वैकेंसी आएगी, 17 अप्रैल से इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ये वैकेंसी 17 अप्रैल से ही भर्ती चालू हो जाती है। उत्तराखंड में दो जगहों पर जो भर्ती होती है, तो अप्रैल में ही भर्ती होती है, ठीक है? तो आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर जब भी भर्ती होगी, सुबह आपको 9 बजे से लेकर 14 बजे तक, 2 बजे तक भर्ती होगी। 14 बजे को 2 ही बजे बोलते हैं। 18 ग्रेनेडियर्स चमगादड़ मिलिट्री स्टेशन जिला पिथौरागढ़ में भर्ती होती है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है? सुबह 9 बजे लेकर 2 बजे तक भर्ती होगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। 18 ग्रेनेडियर्स चमगादड़ मिलिट्री स्टेशन जिला पिथौरागढ़ में भर्ती होती है इसकी। और यहाँ पर देख, आपको कोई भी ऑनलाइन नहीं कराना, डायरेक्ट इसकी भर्ती है। पंजीकरण के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं, मतलब आपको पंजीकरण कराने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वहाँ पर, ठीक है? तो देखो, आपको फोटो सौ की मतलब 4 कॉपी लेके जाना है, वारिस के साथ 4 कॉपियाँ, मतलब अपने पापा या मम्मी के साथ 4 कॉपी लेकर जरूर जाना, ठीक है? जन्म प्रमाण पत्र व शिक्षा प्रमाण पत्र प्रतिलिपि लेकर जाना, प्रतिलिपि मतलब आपको जन्म प्रमाण पत्र जरूर लेकर जाना है, और शिक्षा प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, जीरोक्स जिसको बोलते हैं, और पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड, मतलब इनमें से 3 में से 1 लेकर आपको जरूर जाना, ठीक है? इसके बाद चिकित्सा प्रमाण पत्र, आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको अपने या फिर जिला अस्पताल से बनवा लीजिएगा, या फिर किसी डॉक्टर से बनवा लीजिएगा। सोए बैंक खाता तथा पासबुक की प्रतिलिपि, मतलब बैंक खाता की एक फोटो कॉपी स्टेट बैंक की होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जानवर हांकने वाले मालिक को उपरोक्त दस्तावेजों के साथ जानवरों की बीमा पत्र प्रतिलिपि, मतलब आपको इसमें प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा, ठीक है? जानवर की बीमा पत्र की प्रतिलिपि एक लाना जरूरी होगा। इसमें आपको वेतन क्या होने वाली है, आप लोग देख सकते हैं, इसमें वेतन आपको 18,000 रुपये वेतन होगी, ठीक है? कुल मिलाकर टोटल आपको 30,000 रुपये दिया जाएगा, तैनाती एरिया के हिसाब से अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा आपको, 30,000 रुपये इसमें भर्ती दिया जाएगा। ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी है, अगर आप लोग अगर इसमें जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ठीक है? ये भर्ती 2024 में निकलेगी। और यहाँ पर और देख सकते हैं, जानवरों का वेतन राज्य सरकार जिलाधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए जो निर्धारित किया गया है, उस हिसाब से दे होगा, मतलब आपको उत्तराखंड में जो मतलब जिलाधिकारी है उसी के हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा, जिलाधिकारी ही आपको वेतन देगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरा आप लोग जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना, और अपने कमेंट में राय जरूर बताना, और ये भी बताना कि आप लोग कौन से स्टेट से हो, ठीक है दोस्तों? तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम।